नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड के सुदूरवर्ती इलाका उदयपुरा टू पंचायत अंतर्गत न्यू प्राथमिक विद्यालय छतरपुर टोला छेदीपुर में शुक्रवार को मीडिया कर्मी जब विद्यालय में पहुंचे तो पाया कि विद्यालय में ना ही प्रधानाध्यापक मौजूद है और ना ही कोई शिक्षक। इस स्थिति में बच्चे खेलते नजर आए और आपस में लड़ते झगड़ते भी नजर आए। बता दें कि यह विद्यालय में शिक्षक के बदले में शिक्षक के भतीजा संदीप कुमार शिक्षक बनकर विद्यालय में मौजूद था, जबकि संदीप कुमार की उम्र लगभग 21 से 22 वर्ष है। वो कहता है कि हम बीए में पढ़ते हैं और संदीप कुमार को झारखंड के राज्यपाल का एवं भारत का प्रधानमंत्री के नाम तक नहीं पता है। आगे संदीप ने कहा कि हमारे चाचा प्रधानाध्यापक शंभू राम किसी काम से डाल्टनगंज अपना हाजिरी विद्यालय में बनाकर गए हुए हैं, जबकि विद्यालय में नामांकन के अनुसार बच्चों की उपस्थिति भी कम पाई गई है। इसके बाद जब मीडिया कर्मी रसोई घर में पहुंचे तो पाया कि सिलेंडर गैस के बदले लकड़ी पर बच्चों के लिए माध्यान्ह भोजन बनाया जाता है। संबंध में जब रसोइया से बातचीत की गई तो रसोइया बताती हैं कि जब से विद्यालय का ये निर्माण हुआ है तब से करीब 10 वर्ष से भी ऊपर से इस विद्यालय में सिलेंडर गैस के नसीब नहीं है। इस विद्यालय में बराबर लकड़ी पर ही बच्चों के लिए माध्यान्ह भोजन बनाया जाता है, जबकि विद्यालय में शौचालय तक टूटा फूटा हुआ है। जब मीडिया कर्मी बच्चों से कुकिंग कोर्स की पैसे के बारे में जानकारी ली तो बच्चों ने कहा कि किसी को 1500 रुपए तो किसी को मिले ही नहीं, तो किसी का खाते में शिक्षक कहते हैं कि चला गया, लेकिन खाता जांच करवाने के बाद खाते में पैसा भी नहीं है। आगे बच्चों ने कहा कि हमारे शिक्षक की मनमर्जी से ये विद्यालय चलता है और पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती है। अच्छा, खाकर खाना में क्या क्या मिलता है? अंडा मिलता है कभी? हाँ। कौन सा दिन? आज मास्टर नहीं है? नहीं। पढ़ाने आज के पढ़ा रहे हैं आप लोग को? कोई पढ़ा रहे हैं आज? क्या नाम है उनका? नहीं पता है। बाबू और घर हुँ? घर कौन क्लास में पढ़ता है? कौन क्लास में पढ़ता है जी? नहीं पता है। पैसा मिल गया? कितना पैसा मिला? जोर से बोलो। 1500। कौन क्लास में पढ़ता है? 3 में 1500 मिला है। खाना बनता है रोज? खाना रोज बनता है। क्या नाम है तुम्हारा? किस क्लास में हो? में। कितना पैसा मिला तुमको? 1500। क्या नाम है यहाँ के सर मास्टर को? शंभू। पूरा नाम बताओ। नहीं पता। क्या नाम है? कितना पैसा मिला बाबू? नहीं मिला है। अच्छा, तुमको मिला है जी? नहीं। तुम तुमको भी नहीं मिला? नहीं मिला है पैसा। क्या नाम है? सूरज। चलो, आप लोगों को पैसा मिला है? जी। कितना कितना मिला है? 1500। सभी को 1500। किस क्लास में हो तुम लोग? 5 क्लास में है। 1500 रुपया दी गई। हाँ। अच्छा, और 3 क्लास के बच्चे को? सबको 1500 मिला है। हाँ। चलिए, बढ़िया है। कौन कौन विषय के पढ़ाई होता है? बढ़िया जी, पढ़ाई होता है? हाँ। टॉयलेट जाते हैं आप लोग? शौचालय है विद्यालय में? शौचालय है जी? नहीं है? नहीं, नहीं। क्या नाम है कुमार। आपका? कुमार। ये बताइए कि इसमें शौचालय है जी विद्यालय में? हाँ? हाँ। जाते हैं आप लोग? तुम जाता है जी? कैसा है, साफ सफाई है? बढ़िया। पैसा मिला आप लोग के? कितना मिला? 1500। किस क्लास में हो? 7 क्लास में। तुम किस क्लास में हो? ठीक। किस क्लास में पढ़ते हो? 14 क्लास। पैसा मिल गया कुकिंग कोस्ट का? हाँ। कितना? 1500 मिला। पढ़ाई होता है मुनि यहाँ पे? अच्छा, खा का खाना में क्या क्या मिलता है? क्या नाम है बाबू? संदीप कुमार। घर?
आप यहाँ क्या करते हैं? सर बोल रहे थे पढ़ाने के लिए। कौन है सर, क्या नाम है सर का? शंभुराम है। शंभुराम, शंभुराम नाम है जी। ये बताइए कि आपको यहाँ पे पढ़ाने के लिए बोला गया है? हाँ? आपको सर के द्वारा पढ़ाने के लिए बोला गया है? हाँ। तो ये बताइए कि सर कहाँ है? सर काम कर रहे हैं, डॉक्टर दवाई कराने गए हैं। दवाई कराने गए हैं सर। हाँ। क्या आप करते हैं? आप करते क्या हैं? पढ़ते हैं। कौन क्लास में? बी ए। हाँ। उम्र कितना हो रहा होगा लगभग आपका? 21 साल। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ, यहीं के रहने। तो आज ही पढ़ा रहे हैं कि हमेशा इस तरह से पढ़ाते हैं? आज ही पढ़ा रहे हैं। क्या नाम है? संदीप कुमार। सर को, सर के क्या लगते हैं आप? कोई रिश्तेदार में है क्या? चाचा लगते हैं। आपके चाचा लगते हैं। अच्छा, इस विद्यालय में कितने शिक्षक हैं? एक ही हैं? हाँ, एक ही शिक्षक हैं। हाँ। तो कहाँ दवाई का? किसका? अपना? हाँ। तबीयत खराब है? हाँ। अच्छा, तो कितना बजे से हो गए हैं? 10 बजे। स्कूल में आए थे? हाँ। अटेंडेंस बना के गए हैं? हाँ। अच्छा, कितना से कितना तक की क्लास विद्यालय है? 1 से 5 तक है। तो सब एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं? हाँ। क्या पढ़ा रहे थे अभी? जोर पढ़ा रहे हैं। भूगोल? हाँ। अच्छा, भूगोल में पढ़ा रहे थे। अच्छा, बीए में पढ़ते हैं। शिक्षा मंत्री का क्या नाम है जी आपका, झारखंड का? नहीं पता है। मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मुख्यमंत्री का हेमंत। नहीं नहीं, शिक्षा मंत्री का नाम नहीं पता है? राज्यपाल का क्या नाम है बताइए, कि नहीं पता है तो बता देना चाहिए कि नहीं पता। राज्यपाल का और ये शिक्षा मंत्री का नाम नहीं पता है आपको? तो क्या पढ़ाते हैं आप? आपको जब शिक्षा बीए आप पढ़ रहे हैं, जब आपको शिक्षा मंत्री और राज्यपाल का नाम नहीं पता है, तो फिर बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं आप? a+b+c के होल स्क्वायर कितना होता है मैथ में, जानकारी है? नहीं जानकारी है? जोर से बोलिए ना जी। तो क्या पढ़ाते हैं आप बच्चे को? आपको पढ़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज चैनल। अभी हम पहुंचे हैं तरहसी प्रखंड के सुदूरवर्ती इलाके उदयपुरा 2 पंचायत में। बता दे दर्शकों, अभी हम जब ने इस पंचायत से क्रॉस किया तो देखा कि कुछ ग्रामीण हमसे बताने लगे कि थोड़ा सा छेदीपुर विद्यालय में जाइए। यहाँ हमने जब उपस्थित हुए तो एक विद्यालय का नाम है, इस विद्यालय का न्यू प्राथमिक विद्यालय छतरपुर टोला छेदीपुर तरहसी पलामू। ये तरहसी प्रखंड का विद्यालय है। जब हम यहाँ पहुँचे तो देखे कि सबसे पहले तो सचिव सह प्रधानाध्यापक गायब पाए गए हैं, जबकि एक ही शिक्षक के भरोसे इस विद्यालय को चलाया जा रहा है, पहला चीज़। दूसरी ये चीज़ है कि जब विद्यालय में यहाँ हम इंट्री किए तो देखते हैं कि गायब हैं। इसके बाद जब अंदर गए तो बच्चे खेलते नज़र हुए आए और अपने में मारपीट भी बच्चे लोग करते नजर आए, और जबकि उन्हीं का एक भतीजा संदीप कुमार है जो बीए में पढ़ता है, बता दें वो अभी पढ़ा रहा है, मतलब उन्हीं के ऊपर जो है सचिव महोदय विद्यालय को सौंप कर गए हैं। लेकिन वो लड़का बीए में कहता है कि हम पढ़ाते हैं, और अभी तक उसको सुरती लेख के बारे में पता नहीं है कि सुरती लेख आखिर कैसे लिखाएगा ब्लैक बोर्ड पर। और तो और इसके बाद जब a+b+c का होल स्क्वायर पूछा गया तो भी पता नहीं है। शिक्षा मंत्री का नाम पूछा गया तो भी नहीं पता है। हेमंत सोरेन का नाम, मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया तो एक सही बताया, बाकी कुछ भी नहीं बता पाएगा। तो आखिर ऐसे लोग पढ़ाते क्यों हैं विद्यालय में जो पढ़ाई नहीं होते हैं? आखिर बच्चों को भी पता नहीं है तो बच्चे के सिखाएगा कौन? सचिव महोदय तो रहते हैं गायब। और तो और जब हमने रसोईया से बात की, यहाँ रसोईया कहते हैं कि सचिव महोदय सुबह में अपना अटेंडेंस हाजिरी बनाकर चले गए हैं डाल्टनगंज। अब बताइए, बनाने चले गए हैं बनाकर
और जब रसोईया का हम खाना जांच किए तो पता चलता है कि यहाँ 10 वर्ष से भी ऊपर से जब से विद्यालय यहाँ निर्माण हुई है तब से यहाँ लकड़ी पर ही खाना को पकाया जाता है। ऐसी स्थिति है जबकि सरकार के निर्देशानुसार हरेक विद्यालय में सिलेंडर गैस की व्यवस्था दी गई है, लेकिन यहाँ सचिव महोदय की लापरवाही से आज तक यहाँ पे सिलेंडर गैस नहीं दिया गया। तो मैं मांग करता हूँ शिक्षा मंत्री से, उपायुक्त महोदय से, कि ऐसे कई विद्यालय है जिसमें लापरवाही बरती जा रही है, कृपया इसे जांच करने का काम करें, अन्यथा गांव के देहात के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रही है। इस पर कृपया ध्यान देने की ज़रूरत है। और तो और, जब हम कुकिंग पोस्ट की पैसे की बच्चों के से बात किए कुकिंग पोस्ट के पैसे के लेकर, तो बच्चे बताते हैं कि यहाँ सरकार के तरफ से 1789 1 से 5 तक देना था, लेकिन यहाँ सारे बच्चों को 1500 रुपये मात्र मिला है। अब इस पर अधिकारी ही जांच कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। ऐसे कई विद्यालय हैं जो तरहसी प्रखंड में शिक्षा स्तर से नीचे है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अधिकारी कितना इसमें रुचि लेते हैं और कितने विद्यालय को जांच कर पाते हैं। तो आप देखते रहिए, तब तक सिटी न्यूज़ चैनल, तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।